for the best experience. Use it for. कई वक्तों में जब बेटियां शादी की उम्र को पहुंचती तो माँ उसके ब्याह के चाव में सबसे पहले उसका जोड़ा बनवा बैठती। बहुत से कारीगर सालों उस जोड़े को मेहनत से सजाते और फिर वक्त आने पर शादी से चंद दिन पहले वो खास दुल्हन के माप पे सिलवाया जाता। वो जोड़ा जो माँ के प्यार और बहुत से लोगों के रोजगार की दुआओं में लिपट के बनता है, शादी का जोड़ा। ऐसी ही थी कहानी बेचैन इंतजार की। उसका काम है कि सिर्फ उसे रोना ही आता है। मेरे पास एक पिक्चर है उसकी, आई डोंट नो, अभी मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें वो पढ़ाई कर रही थी और उसकी सिस्टर ने मुझे फोटो भेजी थी एंड शी इज लिटरली क्राइंग ऑन दैट पर्टिकुलर फोटो। मतलब मेरे को ऐसे ऐसे करके रोनी। वो फोटो मैं लाइफ टाइम रखूंगी और उसके हर बर्थडे में पोस्ट करूंगी उसे चढ़ाने के लिए। जब भी मैं लाइक आई स्टे इन बॉम्बे तो वो मुझे बोलती है कि यार तू आ रही है ना, अच्छा तू आ रही है, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी कसम है। वो इतनी कसम देती है, हर बात पे कसम देती है। कि मतलब क्या करो क्या नहीं करो, शैली मैं सुन सुन के थक चुकी हूँ, शादी कब होगी। जीजू आप हमेशा खुश रहिए और बेस्ट ऑफ लव, हैप्पी मैरिड लाइफ। एंड हमने बहुत इंजॉय करा आपकी शादी में, एंड दुआओं में याद रखना हमें, भूलना मत जाने के बाद, कॉल करते रहना हमें। चले जाओगे तो बहुत याद आएगी, आप ही घर की रौनक थी, आप ही घर का शाइन था। अब आप चले जाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे, मम्मी पापा आपको मिस करेंगे, वो छोटी मोटी अनबन, वो साथ में रहना, वो खुशी के पल, हमेशा घूमना, हमेशा मेरा ध्यान रखा। मेरा ध्यान कौन रखेगा, तो कोई भी नहीं है। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही ऑलवेज केयरिंग अबाउट मी। sajana ni badan laoni ove jag palan ki family mein sabhi log bahut acche hain। sajana ni shagan laoni jive jind saadi shana mujhe meri family ki bahut yaad aayegi, specially meri behan jo mujhe bahut pareshan karti thi।